एनफील्ड क्लिनिक मैंने जो स्टार्ट किया था 2013 28th of August को हमने एक शॉप ली थी जो बहुत छोटी सी शॉप थी। एक ये कह लो कि 4 फुट बाई 3 फुट की एक छोटी सी दुकान से मैंने स्टार्ट किया था। 5-6 साल नौकरी की बट नहीं बनी बात। वहाँ पर भी बोल के छोड़ के आ गया था कि सर नौकरी नहीं करूँगा। तो बैठा बैठे सोचा क्या करा जाए। हमारे यहाँ पर साउथ दिल्ली में बहुत सारी प्रॉब्लम थी कि कोई अच्छा मैकेनिक नहीं था, प्लस स्पेयर पार्ट्स नहीं होते थे। अगर मैकेनिक है तो स्पेयर पार्ट्स नहीं है। बट आजकल के जल्दी जल्दी के काम के अंदर किसी के पास उतना टाइम थोड़ी है कि वो आपको ऑर्डर करेगा, आप लेकर आओगे, देन उसका काम करके देंगे। तो यही प्रॉब्लम चलती रहती थी। तो मेरा एक फ्रेंड था, मैं उसके साथ शॉप पे उठता बैठता था। उसका रॉयल एनफील्ड का ही काम था। उसके साथ साथ मैं देखता रहता था, सीखता रहता था। बाकी मेरे चाचा जी थे बचपन से, वो भी रॉयल एनफील्ड ही ठीक करा करते थे। तारा उनको भी देखते थे हम बचपन में कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। पहले स्पेयर पार्ट्स के लिए हमने सिर्फ शॉप खोली, फिर हमें आने लगा धीरे धीरे स्पेयर पार्ट्स के साथ में काम भी आने लगा। हमने सोचा कि यार क्यों ना करा जाए साथ में। तो एक छोटा सा लड़का था मेरे पास, शिवलाल, अब तो बड़ा हो गया है, काफ़ी छोटा सा आया था। तो साथ में उसको भी एक इंटरेस्ट था कि हाँ मुझे भी सीखना है क्या होता है। तो मिलके दोनों करते रहते थे। हम करते 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 अब आज 5 साल हो गए हैं। टचवुड अच्छे रिव्यूज़ भी हैं हमारे, कस्टमर भी हैप्पी हैं मेरे, और मतलब जो एक बार आ जाता है वो वापस नहीं जाता हमारे यहाँ से। मैंने अपना एनफील्ड कुछ 1.5 साल पहले लिया था। तो मैंने गूगल पे सर्च किया था कि रॉयल एनफील्ड का सबसे अच्छा बाइक सर्विस दिल्ली में कहाँ करते हैं। एनफील्ड क्लिनिक के बारे में सबसे ज़्यादा पॉजिटिव व्यूज़ थे। तो मैं और मेरा फ्रेंड यहाँ पे आए, तो उनका जो सर्विस क्वालिटी है बहुत अच्छा है और प्राइस भी वेरी इकोनॉमिकल है। अभी तो यहाँ पे आते हुए मुझे 1.5 साल हो गए, तो एनफील्ड क्लिनिक इस फैमिली की तरह मेरे लिए। अभी 6 साल से मैं जानता हूँ इनको। ये रॉयल एनफील्ड के बहुत अच्छे मैकेनिक भी हैं, मिस्त्री भी हैं, और साथ साथ जो इनका काम करने का तरीका है वो बहुत अच्छा है। गाड़ी की हर समस्या का समाधान इनके पास है और कस्टमर को खुश करने की हमेशा कोशिश में रहते हैं। रॉयल एनफील्ड से लगाव तो मतलब बचपन से, दादाजी थे तो हमारे फादर बताया करते थे कि पहले तो खाली होता था सारा, तो नेहरू प्लेस से जब घर की तरफ को दादाजी आने लगते थे तो घर के आसपास जहाँ भी पिताजी वगैरह सारे भाई भाई खेल रहे होते थे तो दौड़ आते थे घर पे। फिर उसके बाद दादाजी ने रखी, फिर मेरे फादर ने रखी, फिर मेरे चाचा जी ने रखी, मतलब पुश्तैनी चलती आ रही है रॉयल एनफील्ड। तो उसके बाद मेरे पास, ब्रदर के पास, और आज भी हमारे पास एक दो रॉयल एनफील्ड अपनी है जो हम प्रॉपर यूज़ करते हैं। तो रॉयल एनफील्ड से तो मतलब यही है कि जन्मों का नाता हो चुका है हमारा उसके साथ। अब बाकी रॉयल एनफील्ड जैसी तो कोई बाइक ही नहीं है। करते करते सोचा कि नहीं कुछ अपना करना है, चाहे छोटा करना है बट छोटे छोटे से ही स्टार्ट करके। टचवुड भगवान ने भी साथ दिया, लक ने भी साथ दिया, तो धीरे धीरे आगे बढ़ता चला गया। कभी चोरी नहीं की, ऑयल डलना है जो भी डलना है, पार्ट्स डलना है जो भी डलना है उसमें, कभी वो नहीं। अच्छे पार्ट्स, जेन्युइन पार्ट्स यूज़ करें। कस्टमर की गाड़ी अपने आप अच्छे से चलती है। हम तो खुश हैं जब कस्टमर हमारे सामने बैठा और हम काम कर रहे हैं। एक तो उसमें ये नहीं रहता है कि क्या डला क्या नहीं डला, कस्टमर को सब अपने सामने रहता है। दूसरा, लोग क्या कहेंगे, आप बाइक छोड़ जाओ, आप कल आना, आप शाम को आना। कोई सामने काम करके रेडी नहीं है, क्यों? क्योंकि उसने चोरी करनी है। उसमें चोरी नहीं करोगे, ऑयल अच्छा डालोगे, पार्ट्स जेन्युइन डालोगे, गाड़ी क्यों प्रॉब्लम करेगी? गाड़ी कभी प्रॉब्लम नहीं करती। वही है ना, लोग उन्होंने वही सामान चोरी करना है। 200 रुपये की चोरी करके क्या बहुत बड़ी कोठी नहीं बन जानी है? पर आप 200 की चोरी ना करके जब उसकी परफॉर्मेंस आएगी गाड़ी की, कस्टमर हैप्पी रहेगा, तो वो आपके पास 200 कस्टमर्स को जोड़ेगा।
मतलब उसके साथ साथ और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। काफ़ी लोग हमारे रिलेशन्स में भी कहते हैं कि मैकेनिक का काम कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। ठीक है, पर क्या फ़र्क पड़ता है? आपको पता होना चाहिए कि आपके मन में क्या है। पहले डर रहता था, नहीं भी करते थे कि नहीं भैया हम नहीं करते हैं, ये है वो है, हमारे पास स्पेयर पार्ट है। क्या करना था, जब सामान भी था, सब कुछ था, काम तो बढ़ाना है। खुद स्टार्ट करने के बाद 3-4 साल बहुत मेहनत करी उस छोटी सी शॉप से। उसके बाद अब टचवुड मैं एक अच्छी शॉप में आ गया, जहाँ पर मेरे पास स्पेस भी है, बंदे भी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, सामान भी है। मतलब कोई कस्टमर आता है तो हम वन स्टॉप शॉप कहते हैं अपनी शॉप को। हमारे पास हर पार्ट होता है, आपको अगर उस टाइम नहीं है तो मिनिमम टाइम में अवेलेबल भी करा के दिया। तो बस ऐसे ऐसे करते जर्नी बनती रही, कस्टमर्स जुड़ते रहे। अगर अब यहाँ से ऊपर जाएंगे तो अपना एक वर्कशॉप लेकर ही जाएंगे रॉयल एनफील्ड के साथ। मैंने अभी कुछ बाइक्स बिल्ड की हैं, जो रीस्टोर करी हैं, कुछ हार्ले लुक दिया है किसी को, एक डर्ट टाइप में बाइक अभी मैं रिसेंटली अपने लिए बना रहा हूँ। देखो, अगर किस्मत ने साथ दिया तो राइडर मेनिया में जाऊँगा वो बाइक से, अगर डर्ट के लिए। बाकी जल्दी आपको 2-3 बाइक्स दिखाएंगे हम अपनी, जो हमने रेडी की हैं, उन सबका हम आपको व्यू कराएंगे। रीस्टोरेशन, आपकी बाइक के साथ कुछ पेंट जॉब कराना है, कुछ डिफरेंट करना है, कुछ नए मॉडिफिकेशंस करनी है, एसेसरीज लगानी है, सर्विसिंग, इंजन वर्क, बफिंग, मतलब कोई ऐसा काम नहीं है रॉयल एनफील्ड का जो हमारे पास नहीं होता है। ही इज़ माय यंगर ब्रदर। इफ़ आई टॉक अबाउट हिज पैशन फॉर रॉयल एनफील्ड, इट स्टार्टेड शोइंग सिंस ही वॉज वेरी यंग। सिंस चाइल्डहुड ही वॉज रियली इंस्पायर्ड बाय दिस मोटरसाइकिल। देयर वॉज अ टाइम व्हेन आई फेल्ट दैट ही वॉज रियली टायर्ड ऑफ वर्किंग एंड डूइंग थिंग्स व्हिच ही डिड नॉट लाइक। He always wanted to do something creative, something artistic. Whatever he learned from his heart. If he wanted to know about Royal Enfield, he wanted to know everything from the scratch. So the knowledge that he carries about Royal Enfield is immense, because it's not something that he read in a book and he learned it. It's something that he has experienced over the period of time. He's been living Royal Enfield. For our customers to be satisfied, the most important thing is that Varun should be satisfied. I feel that he's following what he's really passionate about. It's not just another job that he's doing. If you follow your passion, if you really want to do something that you love, then it's not your profession. It becomes a playground for you. It becomes a place where you just go and enjoy. It's a legacy, in fact, that this bike has with it, and I feel connected to this bike and connected to Royal Enfield, regardless to the fact that we are not a part of the organization. It's a brotherhood that we still try and make sure that if we can make few riders ride more than what they can, and make people understand the potential of this bike. Nothing is better than that. Do visit us anytime. In fact, you'll find these faces around. I'm sure that if you'll visit us once, your search for a good mechanic, at least in Delhi NCR, would be over.